आके बैग रखा, कपड़े बदले और मम्मी ने बोला फटाफट जाके वोट करके आ। तो मैंने ये देखो उंगली पे निशान कर दिया है और ये मेरे जिंदगी का पहला वोट था। आप समझो कि एक पहली बार वोट देने जाना भी मेरा। क्योंकि काम हो चुका है तो मैंने सोचा कि आज शुरुआत कर ही देते, इसलिए मैं ऊपर आके पूरा लाल कपड़े में आ चुका हूँ और मैंने सोचा कि पहला वीडियो तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। हाँ हाँ, मैंने बोला था कि रूम स्टूडियो आएगा तो वो आएगा फिर बाद में, पर एक आज का वीडियो बहुत जरूरी था क्योंकि मैं आज फटाफट से जॉब से आते ही किसी काम के लिए निकल गया जो आप ये क्लिप में देख सकते हो। आखिरी वीडियो जब इस रूम में शूट किया था तो इस रूम का कुछ माहौल अलग था, पर अभी कुछ माहौल अलग हो चुका है। ये सिर्फ मेरे बैक का आप देख रहे हो, पूरा रूम का टूर दूंगा तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि काफी सारी चीजें नहीं करवाई है और काफी जल्दी अपना रूम स्टूडियो का पूरा सेटअप हो जाएगा तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। पर अभी थोड़ा हाफ काम बाकी है, यानी कि ये जो काम था वो हो चुका है पर अपना जो सेटअप लगाने का है वो अभी थोड़ा काम बाकी है। तो मैंने सोचा कि उसको तो होते होते थोड़ा टाइम लगेगा, पर जो आज मेन काम था, यानी कि आज है 7 तारीख और हमारे वहाँ आज था वोटिंग का दिन, तो मैं जैसे फटाफट से जॉब से आया तो मैंने पहले ही घर आके बैग रखा, कपड़े बदले और मम्मी ने बोला फटाफट जाके वोट करके आ। तो मैंने ये देखो उंगली पे निशान कर दिया है और ये मेरे जिंदगी का पहला वोट था। आप समझो कि एक पहली बार वोट देने जाना, क्योंकि मेरे लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि किस किस को वोट देंगे और किस को वोट नहीं देंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे पहली बार जो गया ना तो उसका थोड़ा वाइब है ना, थोड़ा बोलते हैं ना कि थोड़ा सेंसिटिव और जो माहौल इंटेंस था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे पुलिस इवर्टी में लोग थे और काफ़ी सारे और भी कर्मचारी लोग थे जो अपना काम कर रहे थे। पर मुझे जेन्युइनली मुझे पहली बार जाके मुझे कुछ मालूम ही नहीं था कि अंदर जाके क्या करते हैं, यानी कि बाहर बाहर से देखा हुआ है पर अंदर जाके मैंने आज पहली बार वोट डाला तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, तो उसकी भी थोड़ी क्लिप आपको देखने को मिलेगी इस ब्लॉग में। पर मैंने सोचा कि हाफ ऑफ द क्लिप उसकी और हाफ ऑफ द क्लिप इधर की करेंगे ऐड, तो मैंने सोचा कि न्यू रूम है, न्यू स्टूडियो है, न्यू वीडियो है और काफ़ी दिनों के बाद ऐसे तो मैं काफ़ी दिनों के बाद भी एक वीडियो बना रहा हूँ और जो अभी रिसेंटली जो आए थे और बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप हो गई वीडियो के बीच में, पर वो तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा और मुझको भी समझना पड़ेगा, पर थोड़ा सा रूटीन में आना पड़ेगा, डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन वर्ड मैं आज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि डिसिप्लिन की वजह से आज मुझको बहुत सुनना पड़ा है जॉब पे, तो डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है तो वो मैं भी सीखना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं भी मेरी लाइफ में एड ऑन करना चाहता हूँ और उस पे रूटीन में कंसिस्टेंसी रखना चाहता हूँ और वीडियोस पे भी कंसिस्टेंसी रखना चाहता हूँ, तो वैसे ही और अमेजिंग चीज़ें इस रूम के थ्रू आती रहेगी और काफ़ी सारी चीज़ें हम करने वाले हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो वो आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। पर अभी तो इस रूम में आके पहली बार वीडियो शूट करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि अब फाइनली मेरा पर्सनल रूम हो चुका है, पर्सनल रूम स्टूडियो हो चुका है, तो अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं दिन रात कुछ भी, यानी कि वीडियो जब
अब किसी भी टाइम बनाना होगा तो नो परमिशन, नो दिक्कत, नो लाइट की दिक्कत, नो फैन की दिक्कत क्योंकि गर्मी में तो फैन चाहिए ही। तो वैसे काफ़ी सारी दिक्कतें थी जो अब सॉल्व हो चुकी है। तो और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्टैंड बाय पे है अभी भी, तो वो बहुत जल्द फुलफिल होगी। और वीडियोस में भी अब काफ़ी सारी ज़्यादा आपको न्यू क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो लेट्स गो। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि इधर आकर थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा अच्छा सा लग रहा है क्योंकि नीचे नहीं ज़्यादा ऊपर अच्छा है क्योंकि आगे पीछे दोनों जगह पे खुली हवा आती रहती है, इधर विंडो है पीछे विंडो है और पूरा एटमॉस्फियर अच्छा रहता है। नहीं आवाज़ भी अच्छी आ रही है क्योंकि पहले बहुत सारा सामान था इधर, यानी कि स्टोर रूम जैसा था, तो उसकी वजह से आवाज़ भी थोड़ी डब जा रही थी। पर अब बहुत अच्छी सी हवा आ रही है, हवा भी आ रही है, आवाज़ भी आ रही है, वीडियोस भी आ रहे हैं, तो अब सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी पे रहेगी और बैक टू बैक हमारे वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे। और वीडियोस नहीं आएंगे तो लाइव स्ट्रीम आती रहेंगी, तो लाइव स्ट्रीम पे भी हमारा काम चल रहा है और बीच में ये काम चल रहा था उसकी वजह से गैप आ गए वरना तो नहीं आती। पर हाल फिलहाल अब ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है तो आपको कहीं पे जाने की ध्रुव नहीं, ओनली यूट्यूब पे ध्रुव राणा चैनल खोल के बैठ जाओ, या तो सब्सक्राइब किया हुआ तो है ही, तो नोटिफिकेशन आते ही रहेंगे, नहीं आते तो बेल आइकन को दबा दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन जो मैंने पहना भी है उसको दबा दो यार। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज आते रहेंगे और मैंने सोचा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैलेंजेस वाले वीडियो मम्मी के साथ या भाई के साथ या कोई दोस्तों के साथ हो सके तो हम डेफिनेटली करेंगे और आपको एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करते ही रहेंगे बैक टू बैक। तो हमारे वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे अब कंसिस्टेंसी पे। तो लेट्स गो, आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। और हाँ, आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो फटाफट से जाके वोट करो क्योंकि आपके हाथ में है कि किसको सरकार सौंपनी चाहिए या नीचे और सौंपनी चाहिए। क्योंकि जब सरकार को काम होती है, जब सरकार को वोट चाहते हैं वो तब हमारे पास आते हैं, पर जब हमारा काम उनको करवाना होता है तब वो हमारी आवाज़ नहीं सुनते। तो आप भी वैसे ही सरकार को चुनो जो हमारी आवाज़ या हमारी बातों को सुने और उसको फुलफिल करे, तो उसे ही वोट दो, ना कि किसी भी कहने पे बहकाने पे आप दूसरों को वोट दो। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने किया वोट, वैसे आप जाके भी अपने एरिया के या स्टेट के या गांव में जाके जब भी वोटिंग का दिन आता है तो वहाँ जाके वोट कीजिए और अपने देश को अच्छे हाथों में सौंपिए। तो लेट्स गो, आज का व्लॉग यहाँ समाप्त होता है। जो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना है, आपको सब्सक्राइब कर देना, तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे न्यू वीडियो के साथ, न्यू हाउस के साथ, न्यू सेटअप के साथ। तो लेट्स गो, सी यू, बाय बाय, वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट व्लॉग। लेट्स गो।